बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है जी? थोड़े सब था तो किस तरह जा रहा है जी? थोड़ा रमज़ान शरीफ और रोज़े यकीनन सब दे बहुत अच्छे जा रहे हैं। कल जी इंशाल्लाह मैं जरा भी वो बैठ जावगी तकाफ के बिच। तो मेरे घर पीले जड़े सन मेरे वो खराब हो गए, टूट गए, तो मैं इतने आई सन पीले देखने वास्ते। तो सोहनिया जी मंजिया भी इतने पन, तो मंजिया वेख के तो याद फौरी आ जाता है मैनू अपना पिंड। साढ़े घर के बहर देरे के उत्ते मंजिया पड़िया सन। शाम को तुरका हों पखा लगा दिता जाता से मंजिया उत्थे डाही जा सन। तो लंघते टपते राई भी उत्थे आ के बह जाते सन। तो बाबे रहमत नूं अल्लाह जन्नत नसीब करे वो को आ के मंगते हों सन ठंडा पानी। उत्थे उन्हां नूं पानी भी पैया जांदा सी ते अम्मी मेरे भी अल्लाह बख्शे बाहर जाके देरे ते बह जांदे हुंदे सन। ते बड़ा ही सोहना लगदा सी माहौल। ते इत्थे जी अगे असी मैनूं नज़र आए मिट्टी दे बर्तन, इन्नियां सोहणियां हांडियां ते मिट्टी दे बर्तन वेख के ते अपने आप ही दिल कर जांदा है उत्थे खलोण वास्ते। क्योंकि इन्हां बर्तनां दे विच इक अजीब जी कशिश है, दिल चाहुंदा है कि बंदा सारे ही खरीद लवे। ते बाहर पईआं होईआं सन मिट्टी दीआं गोलकां। तो मेरिया भतीजिया ने मैनू एक दिन कहा कि पुप्पो वो जो गोलक होती है उसमें पैसे डालते हैं, पुप्पो उसमें अल्लाह मियाँ भी पैसे डालते होते हैं। तो मेरा दिल जड़ा है ना वो उन्हां दी मासूमियत ते इन्ना खुश होया ते वाकई देंदा ते रब दी जात ही है। मैं कहा हाँ मैं आपको ला कर दूँगी ऐसी गोलक। मैं जी फिर इतों अपने बच्चों वास्ते एक खरीदी सी गोलक भी। और इत्थे देखो ऐ साग बलिया मधिया भी इन्हों कही घोटलों भी कही दे। इत्थे मिट्टी दिया दौरिया भी सन, इत्थे घड़े भी सन, झाड़ू भी पे हुए सन। यानी कि तमाम जरूरियात जिंदगी दिया चीज़ा इत्थे पईआं सन। वो चीज़ा ने कि चंद चीज़ा ने मगर जिंदगी इन्हां दे नाल बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। तो बस जी अल्लाह की जात जिहड़ी है उन्हें इंसान नूं अकल दित्ती, दिमाग दिता, ज़ेहन दिता। और इंसान ने अपने उस दिमाग नाल क्या क्या चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां नूं बना छड़िया। तो इत्थे मिट्टी दीआं हांडियां जिहड़ियां ने मैं इन्हां नूं इह देख के सोच रही सां कि एक इंडियनज आंदियां हुंदियां ने गुजरात दीआं हांडियां, बड़ियां ही खूबसूरत। वो मेरे शहर च तो मिलदियां नहीं, अल्लाह जाने वो पाकिस्तान चों कित्थों मिलदियां ने। अगर कभी मिलदियां होईआं तो मैं ज़रूर खरीदांगी। मिट्टी दे जग सन, बड़े ही प्यारे जग, मिट्टी का जग तो गिलास मेरे को भी नहीं और मैं उन्हों कदी कदी इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी मिट्टी के बर्तन च खाना पीना सुन्नत है और फरिश्ते जड़े ने उन्हां वास्ते दुआ करते हैं। तो यह मिट्टी के गिलास इतने पे हुए सन, यह मिट्टी के प्याले भी ने, कुजे भी कह सकते हो तुसी इन्हां नूं। ते इंशाल्लाह होया तो मैं भी यह जरूर खरीदांगी इतों कि इन्हां दे विच दही जमाओ, तुसी फ्रूट चाट बना के रखो या कोई भी चीज़ रखो, खीर बनाओ, गजरेला बनाओ तो ठंडी ठंडी करके ये खाओ तो वह एक अपना ही स्वाद बन जाए। तो बस जी इतों एक गुल खरीदी सी और खरीद के तो असी फिर आके अपने घर। तो घर आके जी मैं सोचा कि अज की बनावा, तो मैं अज एक बिरयानी बनाई और उदी रेसिपी बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी है, किसी चैनल तो देख के मैं नहीं बनाई। जड़ा इंसान अच्छा खाना जानता उन्हों पकाना भी आना चाहिए। तो इतने की सी जी मैं दो प्यालियाँ ऑयल पाइया, सॉरी दो प्यालियाँ घ्यो दियाँ पाइया। फिर उद मैं एक टेबल स्पून लसन अदरक का पेस्ट पाया। फिर मैं लाल सुकिया मिर्चा, एक चम्मच जीरा, तेज़पात के पत्ते वो पाए, पा के जरा कि भुनिया। तो मैं इतने चिकन की मैरीनेशन जी की सॉरी कि मैं थोड़ा दिखाना भुल गई सा। मेरे को एक किलो चिकन, एक पैक सी मेरे को मिल्क पैक क्रीम का, ठीक है जी। ये कोई रेड चिली पाउडर ऐसी चीज़ ऐड नहीं है। मैं बिच ये तीन डोंगे वाले चम्मच पाए सन दही दे, यदि मैरीनेशन करने वास्ते। अद्धा चम्मच मैं ये सॉरी पाया सी, एक चम्मच नमक था एक टी स्पून, और एक कालिया पिसिया मिर्चा ये मैं पा दती सन। एक चम्मच भर के मैं सुके धनिए का ये पाया सी। इंशाल्लाह मैं ईद तो दोबारा ये रेसिपी ज़रूर बनावगी ताकि तुम उन्होंने देख सको कि मैं किस तरह बनाया। जनाब एक नींबू जरा भरिया रस का सी वो मैं जूस तो उस पाया सी। अच्छी तरह असी मैरीनेशन करके तो उन्होंने रख दिता सी। फिर जरा मैं जीरा सुकिया मिर्चा तो लसन अदरक का पेस्ट तेज़पात ये जो पाया तो वो ही मैं मैरीनेशन किया हुआ चिकन भी पाता। चिकन पाया तो ये मैं पाया कनोर चिकन क्यूब भी, एक डब्बी पूरी, एक डब्बी दो क्यूब्स होंगे ने।
वह पातियां पा के अच्छी तरह असी उन्हों मिक्स किया, थोड़ा जहा असी इनू भुनिया, फिर इनू हल्की अग ते मैं चिकन नू गला लिया। प्याज मैं कर ले सन ब्राउन, और मैं हुण इस तरह किया कि थोड़े प्याज पाए, सब्ज़ मिर्चा कट के पाइया, ए नींबू के स्लाइस पा दिते सन मैं ये, और चावल सन मेरे को 2.5 गिलास, चिकन है मेरे को 1 किलो, क्योंकि मैनू राइस जोड़े ने अगर उस बूटी ना हो सही पुछो मेरे को खाने ही मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर असी ये धनिया तो पुदीना पा दिता, ये पा के इस तू पहला भी मैं ये क्रीम पाई है, अद्धी क्रीम मैं पाई सी ये मैरीनेशन, अद्धी क्रीम मैं पाई है जो असी इनू भुन रहे सा। फिर असी जी चावल जोड़े सन अपने ओदे उत्ते सुट दिते, फिर मैं थोड़ा बटर लिया, तो बटर हूँ असी की पावांगे, थोड़े जे काजू, थोड़ा बादाम, तो थोड़ी किशमिश, ए पा के ये इनू चंगी तरह असी जरा भी जरा वह पका लिया, थोड़ा गोल्डन गोल्डन कर लिया। तो जो ये पक गया तो दूसरी साइड पर मेरे पे हुए सन राइस, राइस के उपर मैं येलो लाइट कलर पाया, मैनू बिरयानी के लाइट कलर पसंद है, डार्क कलर पता नहीं मैं क्यों नहीं अच्छा लगता, मगर इतने बैड लक यह हुई कि मेरे को लाइट कलर जो सी थोड़ा रह गया, तो थोड़ा सारा फिर मैं ये डार्क कलर पाया, वो पा के धनिया पुदीना पाता। फिर उस तो बाद जी असी ये पाते अपने नट्स, जो कि मैं बटर के उन्होंने फ्राई किया, असी ये उत्ते पा दिते, तो हूँ असी ये उत्ते पावे जो ब्राउन अनियन मेरे को बचिया पिया वे, वो पा के नींबू के स्लाइस पा के उत्ते, तो असी जनाब इनू लगा देवे दम। यकीन मनो कि इतनी मज़े की बिरयानी कि मैं बयान नहीं कर सकती, और यह देखो जी ये शानदार जहा लग गया सी इनू दम। तो हूँ असी जनाब इनू करांगे डिश आउट, मैं अपनी प्लेट जिन्हें मैं खाने ने वो पावांगी, क्योंकि मैं तकाफ बैठ जाना, और मैं सोचा कि अपने हमसाया वाल भी भेज देव, क्योंकि सब के घरों कुछ ना कुछ आंदा रहा वे। तो यह जी मैं अपने वास्ते राइस पाए सन, तो हुण मैं लगी हाँ खाण, तो दुआवां च रखना याद, तो इंशाल्लाह मिला।